नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन और 100+ एमसीक्यू क्वेश्चंस जो आपको करवाए गए थे लास्ट वीडियो में। पार्ट वन था आपका, पार्ट सेकंड है आपका 100+ एमसीक्यू क्वेश्चंस का। जो क्वेश्चंस कुछ रह गए थे वहाँ पे, वो हम आगे हम करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हेयर लाइन फ्रैक्चर डैश के रूप में भी जाना जाता है। आपको बताना है हेयर लाइन फ्रैक्चर जो है वो और किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है आपके सामने ट्रांसवर्स, ऑप्शन खा है आपके सामने जो बी है जो ग्रीन स्टिक, ऑप्शन सी है स्ट्रेस और ऑप्शन डी है ऑब्लिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो आपका होगा बी, खा जो है आपका ग्रीन स्टिक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी अंकुचन में यदि मांसपेशियों की लंबाई में परिवर्तन होता है तो वह डैश कहलाता है। आपको बताना है अगर अंकुचन के समय मांसपेशियों की लंबाई में परिवर्तन होता है तो वो क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है आपके सामने आइसोमेट्रिक, ऑप्शन खा जो है आपके सामने आइसोटोनिक, ऑप्शन गा है आइसोकाइनेटिक और ऑप्शन खा है आपका घा फोर्ट लेग आपका, ठीक है। तो ऑप्शन जो आपका सही है इसमें से वो होगा आपका आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में आपका क्या होता है, मांसपेशियों की लंबाई में परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक्टोमोर्फी में एक्टो किस लिए जाना जाता है, ठीक है। एक्टोमॉर्फ में जो एक्टो शब्द है वो किस लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए है मोटा, ऑप्शन बी है पतला, ऑप्शन सी है गठीला और ऑप्शन डी है गोलमटोल। तो एक्टोमॉर्फ जो है वो पतले के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन खा जो है ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बृहत पोषक तत्व नहीं है। आपको बताना है निम्न में से कौन सा बृहत पोषक तत्व नहीं है। ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है वसा और ऑप्शन डी है विटामिन। तो ए बी सी ये तीनों तो वृहत होते हैं लेकिन जो विटामिन है ये वृहत पोषक तत्व नहीं होता। तो लास्ट वाला जो आपका डी ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, घा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से अस्थिभंग के उदाहरण हैं सिवाय, मतलब किसके अलावा अस्थिभंग के मतलब ये उदाहरण है सिवाय का, रगड़, खा दबाव अस्थिभंग, गा ऑब्लिक फ्रैक्चर और घा जटिल अस्थिभंग। तो बी सी डी ये तो अस्थिभंग के उदाहरण हैं लेकिन जो रगड़ है ये अस्थिभंग का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पीठ दर्द का संबंध है का आग्नाशय से, खा मेरुदंड से, गा हृदय से, घा श्वास नली से। तो मेरुदंड से जो है इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा पीठ दर्द का। अगला क्वेश्चन है, लीग टूर्नामेंट विधि में निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग फिक्स्चर बनाने की प्रक्रिया में नहीं होता। आपको बताना है कि किस विधि का प्रयोग फिक्स्चर बनाने की प्रक्रिया में नहीं होता। का साइक्लिक विधि का, खा स्टेयरकेस सीढ़ीनुमा विधि का, गा नॉकआउट विधि का और घा तालिका विधि का। तो जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो होगा नॉकआउट विधि। ये इस विधि का प्रयोग कहीं भी फिक्स्चर बनाने में नहीं होता, खासकर लीग टूर्नामेंट की विधि में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नॉकआउट टूर्नामेंट्स में यदि टीमों की संख्या 19 है तो मैचों की संख्या होगी। अब आपको बताना है कि अगर टीमों की संख्या 19 है तो कितने मैच उनमें खेले जाएंगे। ऑप्शन ए है 171 मैच, ऑप्शन बी है 18 मैच, ऑप्शन सी है 19 मैच और ऑप्शन डी है 20 मैच। जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 18 मैच खेले जाएंगे, ठीक है। अगर टीमों की संख्या 19 है तो -1 हो जाएगा, तो 18 मैच खेले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, वसा प्राप्ति के स्रोत, आपको बताना है कि वसा प्राप्ति का स्रोत इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए है मीट, ऑप्शन बी है मक्खन, ऑप्शन सी है दालें, ऑप्शन डी है सब्जियां। तो मक्खन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, खा जो है आपका आंसर है इसका करेक्ट माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुधा अभाव जिसको एनोरेक्सिया नर्वोसा भी कहा जाता है एक ये कैसा विकार है, खाने से जुड़ा, मानसिक, शारीरिक या बौद्धिक। तो मानसिक ये विकार होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा और मुझे लगता है ये क्वेश्चन शायद मैंने आपको पहले करवा रखा है तो आपको पता भी होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, गति में महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, ठीक है। जो हमारी स्पीड होती है उसमें कौन सा कारक महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन ए है पैरों की शक्ति, ऑप्शन बी है हाथों की शक्ति, ऑप्शन सी है पैरों की लंबाई और ऑप्शन डी है मांसपेशियों के प्रकार। तो ऑप्शन घा जो है ऑप्शन डी मांसपेशियों का प्रकार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, एरोबिक गतिविधियां या एरोबिक गतिविधियों के लिए कौन सा पदार्थ जिम्मेदार है, ठीक है। जो एरोबिक गतिविधियां होती हैं उनके लिए कौन सा पदार्थ जिम्मेदार होता है आपको बताना है। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन
और ऑप्शन डी है हीलियम। तो ऑक्सीजन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि एरोबिक गतिविधियों के लिए ये पदार्थ जिम्मेदार होता है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चीरा किस प्रकार की चोट है? ठीक है, जो चीरा लग जाता है वो किस प्रकार की चोट है? कठोर ऊतक की, मुलायम या कोमल ऊतक की, जोड़ों के ऊतक की या अस्थि के ऊतक की? तो जो खा आंसर है आपका बी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुलायम ऊतक की जो है चोट होती है चीरा। फिर अगला क्वेश्चन है आपके सामने, खेल टूर्नामेंट्स में सबसे पहला कदम क्या है? ठीक है, कोई भी टूर्नामेंट के लिए सबसे पहला कदम क्या होता है? योजना, समितियां, समन्वय या प्रबंध? तो करेक्ट आंसर जो आपका होगा वो होगा योजना। कोई भी टूर्नामेंट से पहले योजना बनाना जरूरी होता है, तो ये पहला कदम जो है आपका योजना होता है, कोई भी टूर्नामेंट के स्टार्ट होने से पहले। फिर अगला क्वेश्चन है, फोर्टलेक प्रशिक्षण विधि शारीरिक पुष्टि के किस अवयव को विकसित करने में सहायक है? मतलब फोर्टलेक प्रशिक्षण जो हम करते हैं, फोर्टलेक ट्रेनिंग, इससे हम क्या चीज अपनी विकसित करते हैं? शक्ति, सहनशीलता, गति या लचक? तो करेक्ट आंसर जो आपका होगा वो सहनशीलता, एंड्यूरेंस, जो हमारी सहनशीलता होती है वो फोर्टलेक प्रशिक्षण विधि से हमारी इंक्रीज होती है। फिर अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विटामिन ए एक ऐसा विटामिन है जो कि पानी में घुलनशील होता है, वसा में घुलनशील होता है, आ तथा बा दोनों, या फिर अघुलनशील? तो करेक्ट आंसर जो आपका होगा वो होगा वसा में घुलनशील, विटामिन ए जो है आपका वो वसा में घुल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, BMI का प्रयोग शरीर स्वास्थ्य भार के लिए किया जाता है, या शरीर शक्ति के लिए किया जाता है, या शरीर वसा अवयव के लिए किया जाता है, या फिर शरीर सहनशीलता के लिए किया जाता है? तो जो BMI है, बॉडी मास इंडेक्स, वो किया जाता है शरीर स्वास्थ्य भार को देखने के लिए। ठीक है, का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अर्ध मत्स्येन्द्रनासन तथा पश्चिमोत्तमासन का उपयोग किस जीवन शैली के रोग को दूर करने में किया जाता है? ठीक है, दो आसन के नाम लिखे, आपको बताना है किस जीवन शैली के रोग इससे दूर होते हैं। ऑप्शन ए है अस्थमा, ऑप्शन बी है मधुमेह, ऑप्शन सी है कैंसर और ऑप्शन डी है शुदा अभाव। तो मधुमेह जो है डायबिटीज, उसमें जो है ये काफी लाभदायक होता है, अर्धमत्स्येन्द्रासन और पश्चिमोत्तमासन। तो ख आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, उस स्थिति को क्या कहते हैं जब व्यक्ति के काम करने की क्षमता कम होने लगती है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था? तो वृद्धावस्था आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बुढ़ापे में जो है काम करने की क्षमता कम होने लगती है। फिर अगला क्वेश्चन है, 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट दौड़ का क्या उद्देश्य है? ठीक है, आपको बताना है क्या इसका उद्देश्य होता है 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट दौड़ का। तो ऑप्शन ए है शरीर का तालमेल, ऑप्शन बी है सहनशीलता, ऑप्शन सी है गति तथा त्वरण और ऑप्शन डी है लचक तथा चपलता। तो करेक्ट आंसर आपका होगा गति तथा त्वरण। ठीक है, जो कि 50 मीटर स्टैंडिंग दौड़ का पहला उद्देश्य होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, हार्डवर्ड स्टेप प्रशिक्षण का उपयोग किस मापन में किया जाता है? हार्डवर्ड स्टेप प्रशिक्षण से हम क्या मापते हैं? क्वेश्चन है आपका, आपके सामने मैंने बता दिया है, ऑप्शंस हैं हृदय वाहिका को, स्वस्थता पुष्टि को, निचले भाग की शक्ति को या फिर समन्वय तथा चपलता को। करेक्ट आंसर आपका होगा हृदय वाहिका को। ठीक है, हृदय वाहिका को इसके मापन जो है इसका मापन किया जाता है हार्डवर्ड स्टेप प्रशिक्षण द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन है आपके सामने, BMI का सूत्र इनमें से कौन सा है? ठीक है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपके सामने, ऊंचाई भार का स्क्वायर, या फिर भार 100 बटे ऊंचाई का स्क्वायर, या ऊंचाई इंटू भार का स्क्वायर, या ऊंचाई इंटू 100 बटे भार? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऊंचाई गुणा भार का स्क्वायर। फिर अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाथ को बगल से दाएं या बाएं गति की गति का उदाहरण है? कौन सी गति का उदाहरण है हाथ को बगल से दाएं या बाएं की गति? ठीक है, ऑप्शन ए है मोड़ना, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन या फिर अभिवर्तन। आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा हाथ को बगल से दाएं और बाएं की गति करना, ये आपका कहलाएगा अपावर्तन। ठीक है, जिसको एबडक्शन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्भूत प्रेरणा में क्या होता है? जो अंतर्भूत प्रेरणा होती है, पुरस्कार होता है क्या उसमें, या दंड दिया जाता है, या प्रशंसा होती है, या का तथा खा दोनों? तो करेक्ट आंसर जो आपका होगा वो होगा पुरस्कार भी और दंड भी। ठीक है, का तथा खा दोनों जो है इसमें सही आंसर हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन जो है मैंने आपके सपोर्टिंग मटेरियल से हेल्प ली है मैंने, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको पता चल सके, कि आपके एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा नॉलेज आपकी यहाँ पर आपको पता चल जाएगी, कितने क्वेश्चन आपको आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है अब आपके सामने, हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए है
WBC में, ऑप्शन बी है प्लाज्मा में, ऑप्शन सी है RBC में, और ऑप्शन डी है प्लेटलेट्स में। तो जो हीमोग्लोबिन आपका होता है वो RBC में पाया जाता है, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाथों को शरीर की मध्य रेखा से दूर ले जाने की गतिविधि को क्या कहते हैं, आपको बताना है। जब हम अपने हाथों को मध्य रेखा से दूर ले जाते हैं तो वो गतिविधि क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है फ्लेक्शन, ऑप्शन बी है एबडक्शन, ऑप्शन सी है एक्सटेंशन, और ऑप्शन डी है एडक्शन। तो करेक्ट आंसर जो आपका होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, एबडक्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अंतराल प्रशिक्षण विधि के द्वारा कौन सा गामक पुष्टि अवयव को विकसित किया जाता है, आपको बताना है। अंतराल प्रशिक्षण विधि जो होती है उससे क्या विकसित करते हैं हम, लचक को या शक्ति को, सहन क्षमता को या गति को? तो सहन क्षमता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हार्डवर्ड स्टेप प्रशिक्षण से किसका मापन किया जाता है? हृदय वाहिनी, ये मैंने आपको बता दिया है पीछे क्वेश्चन, सॉरी ये क्वेश्चन रिपीटेड है। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सी योग्यता अनुवांशिकता नहीं होती, मतलब इनमें से जो चार चीजें लिखी हैं क्या चीज ऐसी है जो अनुवांशिक हमें नहीं मिलती? ऑप्शन ए है दांतों का खराब होना, ऑप्शन बी है रक्त के गुण, शरीर का आकार, या मांसपेशी रेशे। तो बी सी और डी, ये तो हमें अनुवांशिक मिल सकता है लेकिन दांतों का खराब होना हमारे अपने हाथ में होता है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। घर्षण खेलों के लिए हमेशा हानिकारक होता है, आपको बताना है क्या ये कथन सत्य है या असत्य है। तो ये कथन जो आपका जो है वो असत्य होगा, क्योंकि घर्षण हमेशा खेलों के लिए हानिकारक नहीं होता। मैंने आपको चैप्टर में भी पढ़ाया है, वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो घर्षण आपका होता है, ठीक है, वो जरूरी भी होता है, क्योंकि वो नहीं होगा तो अगर आपके बैट में ग्रिप नहीं है तो आपका बैट हाथों से फिसल सकता है, आपके रैकेट में ग्रिप नहीं है तो रैकेट हाथ से फिसल सकता है। तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मधुमेह का संबंध शरीर के किस संस्थान से है, डायबिटीज? ऑप्शन ए है पाचन संस्थान, ऑप्शन बी है श्वसन संस्थान, ऑप्शन सी है उत्सर्जन या प्रजनन। तो करेक्ट आंसर आपका होगा पाचन संस्थान, ठीक है, पाचन से जुड़ा हुआ ये मतलब इसका संबंध है डायबिटीज का। फिर अगला क्वेश्चन है, घुड़सवारी के द्वारा सुधार होने वाले आसन संबंधी विकृति का नाम लिखिए। चार विकृतियां आपके सामने लिखी हैं, समस्याएं आपको बताना है कि घुड़सवारी करने से इनमें से किस में लाभ होता है। ऑप्शन ए है सपाट पैर, ऑप्शन बी है धनुषाकार पैर, ऑप्शन सी है घुटनों का मिलना, और ऑप्शन डी है पीछे का कूबड़। तो घुटनों का मिलना जो है ज्यादा अच्छा होता है, जिसमें घुड़सवारी अगर की जाए तो इसमें ज्यादा फायदा होता है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, संक्रमणता से लड़ने के लिए डैश पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ती है, आपको बताना है। जब संक्रमणता होती है तो उसके लड़ने के लिए क्या चाहिए होता है, रंग, कार्बोहाइड्रेट, वसा या प्रोटीन? तो प्रोटीन जो है वो पोषक तत्व जरूरी होता है संक्रमणता से लड़ने के लिए, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पतला मोटा तथा हष्टपुष्ट किसके द्वारा वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन ए है सी जी जंग, ऑप्शन बी है टी शेल्डन, ऑप्शन सी है गिल्डफोर्ड, या ऑप्शन डी है आई न्यूटन, ठीक है, आई न्यूटन। और मैं आपको एक बात और बता दूं, आपके मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं जो अब आपको यहाँ भी कराए जा रहे हैं, आपको हर सोर्स से लगभग करवाया जा रहा है, और ये सपोर्टिंग मटेरियल सोर्स है आपका, और इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है या जो भी स्पेलिंग मिस्टेक है उसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये आपका सपोर्टिंग मटेरियल है और जैसा वो है एज इट इज़ हम आपको उसी सोर्स को उठाते हैं जो आपका वैलिड होता है, ठीक है। हम अपनी तरफ से आपको इस वीडियो में मैं अपना कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, जो भी है आपका सपोर्टिंग मटेरियल आपका सोर्स यूज़ किया गया है। तो अगर आपकी टाइपिंग मिस्टेक है तो आप कमेंट में इसमें ये ना बताएं कि यहाँ पर ये आपने ये गलत बताया है, क्योंकि ये आपका सोर्स जो है सपोर्टिंग मटेरियल है और उसी के अकॉर्डिंग हम करवा रहे हैं। अगर स्पेलिंग मिस्टेक वहाँ गलत है तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हमारी नहीं है, वो आप इतना आप में दिमाग है आप उस स्पेलिंग को वहां पर आप ठीक कर सकते हैं। जैसे ये आई न्यूनट लिखा है तो आप इसको न्यूटन कर सकते हैं, बात को आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं, तो पतला मोटा और हष्टपुष्ट किसके द्वारा वर्गीकृत किया गया था? ऑप्शन बी जो है टी शेल्डन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अंतर्मुखी व्यक्ति डैश होते हैं, अंतर्मुखी व्यक्ति कौन होता है, मतलब कैसे होते हैं वो? सामाजिक, ये भी नहीं होगा, मित्रता, ये भी नहीं होगा, आत्मविश्वास, ये भी नहीं होगा, पर आत्म केंद्रित, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो अंतर्मुखी व्यक्ति होते हैं वो ज्यादातर अपने में रहते हैं और आत्म केंद्रित वो ज्यादा होते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। घाव के लिए दो खतरे, घाव जब होता है तो कौन से दो खतरे हैं? ऑप्शन ए है जलन तथा ऊतकों का खोना, ऑप्शन बी है दर्द तथा सूजन, ऑप्शन सी है घबराहट तथा कांपना, और ऑप्शन डी है खून बहना तथा संक्रमण। तो करेक्ट आंसर जो आपका होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, खून बहना तथा संक्रमण आपका करेक्ट आंसर होगा। और फिर अगला क्वेश्चन है, अस्थि भंग एक चोट का प्रकार है,
ऑप्शन ए कोमल ऊतक की, ऑप्शन बी हड्डी ऊतक की, ऑप्शन सी मांसपेशीय ऊतक की, ऑप्शन डी जोड़ ऊतक की। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हड्डी ऊतक की। आपको एक बात और बता दूं कि आपके लिए एक वीडियो मैं बनाना चाहता हूं अभी, कि मतलब कैसे मैंने तैयारी की थी, क्या टिप्स थे एग्जाम के लिए, कैसे लिखना है, क्या आपको वो वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको वो वीडियो जल्दी से जल्दी चाहिए या नहीं चाहिए, कि मैंने कैसे तैयारी की, कैसे वो टिप्स थे, कैसे लिखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आमतौर पर किशोरियों में मासिक धर्म कब होता है? ठीक है, मासिक धर्म कब होता है आपको बताना है। ऑप्शन ए है 5 से 8 साल के बीच, ऑप्शन बी है 8 से 10 साल के बीच, ऑप्शन सी है 10 से 12 साल के बीच, और ऑप्शन डी है 13 से 15 साल के बीच। तो जो 13 से 15 जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रशिक्षण छाती कंधे की मांसपेशियों की शक्ति तथा सहन क्षमता मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए है मेडिसिन बॉल फेंक, ऑप्शन बी है जिग जैग रन, ऑप्शन सी है पुशअप्स, और ऑप्शन डी है खड़ी कूद। तो मेडिसिन बॉल थ्रो जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुर्सी पर बैठना तथा पहुंचना परीक्षण के द्वारा हम वृद्ध नागरिकों के शरीर के किस भाग का प्रशिक्षण करते हैं? जब हम वृद्ध नागरिकों का प्रशिक्षण करते हैं, जब ट्रेनिंग लेते हैं उनकी, कुर्सी पर बैठाना और पहुंचाना रीच वाला जो प्रशिक्षण आपको पढ़ाया भी है, उससे हम क्या मापते हैं? ऑप्शन ए है शरीर के ऊपरी भाग की लचक को, ऑप्शन बी है शरीर के निचले भाग की लचक को, ऑप्शन सी है शरीर के ऊपरी भाग की शक्ति को, या फिर कंधे की शक्ति को। तो इससे जो है भाई शरीर के निचले भाग की लचक को मापा जाता है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, एसपीडी जो कि एक विकार है, इसका कारण मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए है उपकरण, ऑप्शन बी है वातावरण, ऑप्शन सी है स्कूल, और ऑप्शन डी है अनुवांशिकी। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, अनुवांशिकी इसका मुख्य कारण हो सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है, योगासन का नाम लिखिए जो पीठ दर्द के निवारण में सहायक होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है सुखासन, ऑप्शन बी है शवासन, ऑप्शन सी है पदासन, और ऑप्शन डी है शलभासन। तो शलभासन जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दांतों और हड्डियों के निर्माण के लिए किस खनिज तत्व की आवश्यकता होती है आपको बताना है। ऑप्शन ए है फोक, ऑप्शन बी है पानी, ऑप्शन सी है कैल्शियम, और ऑप्शन डी है लोहा। कैल्शियम जो है सबसे जरूरी होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का सामना करने की मांसपेशियों की योग्यता को हम क्या कहते हैं? आपको याद आ रहा होगा शक्ति। ठीक है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शक्ति। तो यहां पर मैंने आपको एमसीक्यू मेन मेन करवा दिए जो आपके पेपर में आने के चांसेस ज्यादा थे, और मैंने आपसे जो पूछा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या मैं आपको अपनी वीडियो बना के दूं या ना दूं, कि कैसे टिप्स आपको लिखना चाहिए और मैंने कैसे लिखा था। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, और कमेंट बॉक्स में आप बताइए जो मैंने आपसे पूछा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपको। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।